हर बार की तरह नाजायज माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। तो इसी सिलसिले में जैसे 15 दिन पहले उन्होंने छापेमारी की थी और कुछ प्रशासन को वहाँ की मशीनें पकड़वाई थी, तो प्रशासन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ, उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। 2 दिन पहले भी जब इस बारे में IDC साहब से बात की गई और उनको बताया गया कि आज भी वहाँ पर नाजायज माइनिंग चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका वहम है, वहाँ पर किसी तरह की कोई नाजायज माइनिंग नहीं चल रही। तो आज सुबह जो पार्टी वर्कर्स और मीडिया कर्मियों के साथ जब विधायक अमरजीत सिंह सिंधवा जी वहाँ पहुँचे तो धड़ल्ले से रूटीन की तरह ही वहाँ पर जो है नाजायज माइनिंग चल रही थी। तो जो मीडिया कर्मी हैं उन्होंने सब कुछ अपने कैमरे में कैद किया। अटैक करने वाले कौन थे? देखिए अटैक करने वाले उनके कुछ माफिया के जो बंदे थे वहाँ पे, वो पहले से बैठे थे, उन्होंने फ़ोन करके जो है अपने आगाओं को बुलाया। आते ही उन्होंने, बावजूद इसके कि कोई बात की जाती है, उन्होंने आते ही गाली गलौच और हाथापाई शुरू की, वहाँ पड़े पत्थरों से अटैक किया गया। कुल कितने लोग शामिल थे और किसके आदमी है वो? देखिए ये तो कहना मुनासिब नहीं है कि बंदे किस पार्टी से हैं या कौन है, ये तो श्योर है ही कि वो माइनिंग वाले ही बंदे हैं, हमारे शुभचिंग तक तो है ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने आए, वो गिनती में शायद 14 या 15 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया। कहाँ पे चोट लगी उनको? विधायक जी को जो है सबसे ज़्यादा चोट जो है छाती में लगी है, जो पत्थरों से अटैक किया गया। उनके साथ उनके PA और गनमैन थे जिनसे डंडों से प्रहार किया। गनमैन के साथ पास हथियार था, गनमैन ने कोई मदद नहीं की? देखिए गनमैन के पास हथियार तो था, लेकिन जो 2 गनमैन थे और वहाँ पे 15 जो बंदे थे हथियार लैस थे, अगर एक भी कुछ भी गोलीबारी होती तो जानी नुकसान होने का पूरा डर था। ये उनका बहुत अच्छी सोच थी कि उन्होंने हथियार नहीं जो। इससे पहले भी कोई धमकी थ्रेट या आई हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जो हम विधायक जी हैं वो इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे आपको, क्योंकि वो तो रोज़ ही जो है माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा। अब कैसी स्थिति है विधायक? स्थिति ऐसे है जी, अब तो PGI में जैसे आए हैं, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं डॉक्टर्स का अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या आता है तभी बोलना कुछ संभव हो पाए।